मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। अर्चना गौतम भी जो है अभी पसंद करती है मनीषा को, एल्विश को और अभिषेक को। जहां पर अर्चना अपने सीजन की एंटरटेनमेंट क्वीन रही, लोगों ने पसंद किया ना पसंद किया, गालियां निकाली फिर पसंद किया, जो भी किया एंटरटेन तो इसने जरूर किया। जिससे पहले जो है कुछ लोग मनीषा रानी को ये चीज कहते थे कि मनीषा रानी जो है अर्चना गौतम की 2.0 है। हालांकि मनीषा जो है वो मनीषा ही है, मनीषा के जैसा कोई नहीं, वो वन पीस ही है। सही बात है, वो सही बोलती है, वन पीस। तो अब जो है जब उनसे पूछा गया कि आप भी इसका हिस्सा रह चुकी हैं तो आपका क्या कहना है, कौन अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि मनीषा बहुत अच्छा कर रही है, रियल चीज़ें कर रही है, एंटरटेन कर रही है, काफ़ी अच्छा कर रही है और जितने भी एफर्ट्स है वो अपने एफर्ट्स लगा रही है, बहुत ही बढ़िया जा रही है। और एल्विश बंदा जो है वो भी बहुत एंटरटेनिंग है और बहुत ही ओरिजिनल और रियल जो है वो रह रहा है। और अभिषेक, ये तीनों जो है बहुत ही अच्छा कर रही हैं। मनीषा, एल्विश और अभिषेक का नाम जो है अर्चना गौतम ने लिया है। अर्चना गौतम भी जो है इन तीनों को ही पसंद कर रही है। भाई सही बात है, अभी तीनों को तो हर कोई पसंद करेगा। अभी धीरे धीरे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है आगे आ रहे हैं इन तीनों के नाम लेने के लिए। पहले तो कोई नहीं आता था पर अब आ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों के लिए जिस तरीके से जनता प्यार दिखा रही है तो भाई जनता का प्यार जो है पाने के लिए तो ये भी तरसते थे, पर इनको कुछ लोगों को मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला। पर जिन लोगों को मिल रहा है इनका बढ़प्पन है कि वहाँ पर भी खुद भी जनता बन के साथ में खड़े हैं और ये यही बात बोल रहे हैं कि जो जनता की पसंद वो भी हमारी पसंद। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।